हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शायद बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी, कुछ दिन पहले रेडिट पे और 4chan पे एक कहे तो स्क्रिप्ट लीक हुई, जो ये बोली जा रही है कि ये आने वाली मूवी द फ्लैश की लीक्ड प्लॉट है। अब ये जो प्लॉट है वो रेडिट पे और 4chan पे लीक हुआ है, और ये दोनों एक सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, तो कोई भी ईमेल आईडी के थ्रू में लॉगिन कर सकता है और कोई भी पोस्ट डाल सकता है, और बहुत से वीडियो भी इस टॉपिक पे बने। तो बहरहाल पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये केवल एक र्यूमर है, हो सकता है कि ये पूरे तरीके से फेक हो सकता है कि इसमें से थोड़ा बहुत सच हो इस स्क्रिप्ट में। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कि टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो वही आप इसे विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लीजिए, और हो सकता है कि कुछ भी इसमें सच्चाई ना हो। लेकिन तब भी जब मैंने इस लीक प्लॉट को पढ़ा था तो कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग मुझे दिखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस प्लॉट के हिसाब से जो फ्लैश की स्टोरी है जो ये लोग बता रहे हैं, वो ये होने वाली है कि इसमें बैरी एलन और ब्रूस वेन, ये दोनों कहें तो मर्डरर को ढूंढ रहे होते हैं बैरी एलन के मॉम की। अब हम जानते हैं बैरी एलन का जो फादर है वो झूठे इल्ज़ाम में फंसा हुआ है, हेनरी एलन, अपनी बीवी को मारने के लिए, लेकिन वो हकीकत नहीं है। तो इसी के थ्रू ये प्लॉट स्टोरी है। उसके बाद फ्लैश जो होता है वो अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम रिवर्स कर देता है, यानी कि टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है, जैसा उसने टीवी शो में किया था, CW की टीवी शो। अच्छा, इसका एक और वर्जन इस प्लॉट का है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रूस वेन जो होता है वो फ्लैश का शुक्रिया अदा करता है कि कैसे तुम टाइमलाइन में रिवर्स आए और तुमने मुझे आगाह किया बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में कि मैं जस्टिस लीग बनाऊँ, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तो फ्लैश ये कहता है कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, फ्लैश बन के वार्न कर सकता हूँ ब्रूस वेन को आके टाइम लाइन में, इसका मतलब मैं अपनी माँ को भी बचा सकता हूँ टाइम में रिवर्स जाके, है तो दोनों सेम ही चीज़। तो फिर वो टाइम को रिवर्स कर देता है जिसकी वजह से एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है, यानी कि जिस रियलिटी को जानता होता है वो पूरे तरीके से बदली हुई है। अब इसमें जो सुपर गर्ल जो दिखाई गई है, वो ये बोला जा रहा है कि वो सुपर गर्ल जो होगी वो बेटी होगी सुपरमैन की, और वो सुपरमैन है हमारे क्रिस्टोफर रीव्स। क्रिस्टोफर रीव्स वही हमारे पुराने सुपरमैन, ये उनकी बेटी है, ऐसा बोला जा रहा है। और एक और चीज़ बोली जा रही है इसमें कि इसका जो विलन होने वाला है वो होने वाला है मिरर मास्टर। मिरर मास्टर CW फ्लैश में भी कई अपियर हो चुका है ये विलन। और मिरर मास्टर जो विलन है, इसके बारे में गाइस एक खासियत ये है कि ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है, यानी कि कॉमिक्स हिस्ट्री में अगर आप देखें तो कई अलग अलग लोगों ने मिरर मास्टर का रोल किया हुआ है, जिसमें मेल कैरेक्टर्स भी थे और फीमेल कैरेक्टर्स भी थे। इसमें जो ये रेडिट पे जो रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से जो लड़की, इसका रोल एक लड़की करेगी, यानी कि फीमेल विलन हमको देखने को मिलेगा मिरर मास्टर। CW फ्लैश में भी हमें फीमेल वर्जन देखने को मिला था, लेकिन वो मुझे उतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। तो इसमें ये बोला गया है। और एक और चीज़ बोली गई है कि इसमें एक और विलन हो सकता है, वो है हमारा ब्लैक फ्लैश। अगर आपको पता हो ब्लैक फ्लैश के बारे में, CW के द फ्लैश टीवी शो में अच्छे से इसको बताया गया था। वो कहें तो टाइमलाइन की रखवाली करता है, और अगर कोई स्पीडस्टर टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है, टाइम में रिवर्स जाके या फ्यूचर जाके कहीं जाके टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश करता है, तो ब्लैक फ्लैश उसे हंट करके उसे मार देता है ताकि टाइमलाइन को रिस्टोर किया जा सके। ये बिल्कुल डहाका की तरह है, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया में आपको याद होगा, प्रिंस ने जब टाइमलाइन चेंज कर दी थी तो डहाका उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ब्लैक फ्लैश तो मुझे बहुत पसंद है, और एंडी मशेटी जो कहें तो हॉरर मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, इट और इट का सेकंड पार्ट, तो अगर ब्लैक फ्लैश को वो ला रहे हैं तो कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी वो इसमें डालेंगे अच्छे अच्छे इस रिपोर्ट के मुताबिक। अभी केवल र्यूमर है, इसको आप यकीन मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस रेडिट के प्लॉट लीक में क्या क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो इसमें बताई गई है वो ये है, जो मिरर मास्टर होगा विलन, इसको एक तो फीमेल कर रही है, और वो बेटी होगी एक बैटमैन विलन की, यानी एक बैटमैन विलन की बेटी होगी मिरर मास्टर। अब वो बैटमैन विलन कौन सा है, क्या वो कोई पुराना बैटमैन विलन है जिसको हम पहले से देख चुके हैं, या पेंगुइन, जोकर या रिडलर, या कोई नया विलन हमको देखने को मिलेगा जिससे बैटमैन पहले लड़ा हो, क्योंकि माइकल कीटन का बैटमैन तो बूढ़ा हो चुका है, वो कई सुपर विलन से लड़ा है, तो सकता है उन्हीं में से किसी सुपर विलन की ये बेटी हो। तो ये सब चीज़ें हमको बताई गई हैं इसके बारे में। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो फ्लैश जो टाइम ट्रेवल करता है, इसकी वजह से मेन जो हमारी टाइमलाइन है स्नाइडर वर्स की और माइकल कीटन का जो यूनिवर्स है, इन दोनों पे कहें तो मुसीबत आ जाती है, यानी कि अगर टाइम सही टाइम में टाइमलाइन रिस्टोर नहीं की गई तो दोनों वर्ल्ड कहें तो नष्ट हो जाएंगे। तो फ्लैश एंड में जाके कहें तो इन दोनों वर्ल्ड्स को कंबाइन कर देता है। अब इस रिपोर्ट में भी बोला जा रहा है कि इससे हो सकता है कि स्नाइडर वर्स इरेज हो जाए, यानी कि बेन एफ्लिक का बैटमैन और हेनरी कैवल का सुपरमैन इरेज हो जाए और हमको एक नई पूरी कंबाइंड टाइमलाइन मिल जाए। अब
ये केवल लीक्ड रिपोर्ट थी, इस पर उतनी जल्दी यकीन करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लग रहा था कि ब्लैक फ्लैश एक विलन के तौर पे है और मिरर मास्टर है, और ये भी बताया गया है कि इसमें रिवर्स फ्लैश को गाइस टीज किया जा सकता है। रिवर्स फ्लैश तो मेन एनिमी है फ्लैश का, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रिवर्स फ्लैश को इस मूवी में मेन विलन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा कैरेक्टर है, इसको वो लोग बाद के लिए बचा के ज़रूर रखेंगे। तो शायद वही चीज़ में है कि रिवर्स फ्लैश को थोड़ा बहुत टीज किया जाए, लेकिन पूरा वर्जन हमें फ्लैश के सीक्वल में देखने को मिले। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अब यानी कि इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, ये तो मूवी रिलीज होकर पता चलेगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये प्लॉट होगा, क्योंकि क्रिस्टोफर रीव की अगर बेटी है ये, तो ये कुछ मामला मुझे फिट नहीं लग रहा है समझने के लिए। अब जो भी हो, आपका क्या कहना है इस लीक प्लॉट के बारे में, आपको इस लीक प्लॉट में कुछ चीज़ें पसंद आई या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और DC फैन है तो मेरे चैनल को